साहब के मार्गदर्शन में, उनकी छत्र छाया में, उनके प्रयास से इन सब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं इन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और आपके सामने चंद शब्द बाली साहब सेवा सिंह जी रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, रविंद्र गुप्ता साहब जिंदाबाद, बलवंत सिंह मनकोटिया साहब जिंदाबाद। जनाब, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज अपने कार्यालय में हमें मान सम्मान के साथ अपने पार्टी में शामिल किया। और मैं रैना साहब से, मनकोटिया साहब से, गुप्ता साहब से और सभी बीजेपी के सीनियर लीडरशिप से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि काफ़ी मैं एज ए ट्रेड यूनियन लीडर काफ़ी जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी काम किया है और कुछ मुद्दे हैं जो मैंने मुनासिब समझा कि जो बरसर इकदार पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी देश की पार्टी है उसमें हमें जाना चाहिए, जिसमें हमारे लोगों के मुद्दे जो हैं प्रॉपर तरीके से हल करने में आसानी मिले। और आज मैं बताना चाहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी हमारा यूनिट है, जितना भी हमारे सपोर्टर हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में वो सारे सभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी हो सके। और मैं बताना चाहूँगा रैना साहब से कि हमें मनकोटिया साहब हमारे पॉलिटिकल गुरु भी रहे हैं और काफ़ी समय से इनके साथ हमने काम किया है और इन्होंने जिस तरीके से हमें जज्बाती तौर पर पब्लिक के काम करने का जो हमें सबक दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसको कंटिन्यू आने वाले वक्त में हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिपाही के रूप में करेंगे और यही मेरा पैगाम रहेगा। और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे साथी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। बहुत अच्छा। मैं तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि जिन्होंने आज रविंद्र रैना जी की और कविंदर गुप्ता जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। रविंद्र रैना जी ने हम सभी साथियों को ये यकीन दिलाया है कि जिन उम्मीदों के साथ वो पार्टी का दामन थाम रहे हैं, पार्टी का दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश के अंदर सरकार चल रही है, अमित शाह जी की अगुवाई में, तो पार्टी नड्डा जी की अगुवाई में, तो पार्टी उन सभी साथियों की उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी।